Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. तो गाइज आपको तो पता है हमको गाइज WWE WrestleMania 38 गाइज दो दिन में दिखने वाले। हाँ गाइज मुझे पता है गाइज कल हमको WrestleMania 38 का नाइट वन का इवेंट दिखने वाला, लेकिन गाइज हमको परसों यानी गाइज कल के बाद गाइज WrestleMania 38 नाइट टू होते हुए दिखने वाला है। वहाँ पे गाइज हमको यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखने वाला है बिटवीन द WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर वर्सेस द यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। गाइज ये मैच में ये स्टिपुलेशन है कि जो भी बंदा गाइज मैच जीतता है गाइज वो दोनों चैंपियनशिप्स घर पे लेके जाएगा और वो कहलाएगा द न्यू यूनिफाइड चैंपियन। यानी जो भी बंदा गाइज ये मैच जीतता है गाइज उसको गाइज WWE दोनों टाइटल्स यूनिफाई करके बनाएगी द न्यू यूनिफाइड WWE चैंपियन। लेकिन गाइज आज के इस एपिसोड में हम लोग रियलिस्टिकली बात करने वाले हैं कि क्यों हमको पॉसिबली रोमन रेंस गाइज जीतते हुए दिखने वाला है। गाइज मैं आपको पता है कभी रिपोर्ट्स आते हैं ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, कभी रिपोर्ट्स आते हैं कि रोमन रेंस जीतेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में गाइज हम एक एंड फाइनल टाइम बोलने वाले हैं कि क्यों हमको पॉसिबली यानी मोस्ट प्रोबेबली 99.9% गाइज रोमन रेंस ही जीतते हुए दिखने वाला है। सो गाइज मैं आपको एक एक रीजन बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके बोलने वाला हूँ, इसलिए गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप WrestleMania 38 के नाइट टू के मेन इवेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए क्योंकि परसों की सुबह ही गाइज मैं आपको WrestleMania 38 नाइट टू के सब रिजल्ट बता दूंगा। सो गाइज बिना टाइम इसके बाद पहला रीजन गाइज वो है रोमन रेंस गाइज एक फुल टाइम सुपरस्टार है और जो ब्रॉक लेसनर है गाइज वो एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है। यानी गाइज जो रोमन रेंस है गाइज वो अभी भी गाइज एक फुल टाइम बेसिस पे गाइज WWE में काम करते हैं। यानी गाइज जो रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ वो अभी फिलहाल गाइज ये स्टेट करता है कि गाइज रोमन रेंस गाइज WWE के हर एक शो पे और हर एक इवेंट पे मैच रेसल करने के लिए उनको हाँ बोलना ही पड़ेगा, वो ना नहीं बोल सकते। गाइज उनके रिगार्ड्स में जो ब्रॉक लेसनर है गाइज उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि गाइज जो ब्रॉक लेसनर है गाइज वो WWE में पार्ट टाइम काम करेंगे और गाइज वो हमको रेगुलरली मैचेस और अपीयरेंसेस करते हुए नहीं दिखेंगे और वो हमको महीने में एक से लेके दो बार मैक्सिमम अपीयरेंसेस और मैचेस करते हुए दिखेंगे। अभी आप लोग मेरे को बोलेंगे कि डे वन से हमको ब्रॉक लेसनर बहुत ही रेगुलरली WWE दिख रहा है गाइज, वो है कि गाइज एक्चुअली गाइज रोड टू WrestleMania के वक्त गाइज WWE ब्रॉक लेसनर एज जॉन सीना गोल्डबर्ग रैंडी ऑर्टन जैसे स्टार्स को गाइज प्रिफर करती है कि गाइज वो हर एक शो पे उनको लेके आए क्योंकि ये WWE के पास्ट लेजेंड्स हैं, अभी भी लेजेंड्स हैं गाइज, लेकिन पास्ट में गाइज बहुत ही बड़े स्टार थे WWE को बहुत ही ज्यादा फायदा कराते थे, इसलिए गाइज उनको प्रिफर करती है कि उनको हर एक शो पे लेके आए जिससे गाइज उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रोड टू WrestleMania में। इसलिए जो ब्रॉक लेसनर है गाइज हमको पूरे रोड टू WrestleMania में गाइज हर एक शो में अपियर होते हुए दिखे हैं। गाइज ये पहला रीजन बन रहा है क्यों गाइज रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर को हरा के यूनिफाइड चैंपियन WrestleMania 38 में बनना चाहिए। सेकंड रीजन की गाइज अगर सर गाइज ब्रॉक लेसनर जैसा बड़ा स्टार गाइज रोमन रेंस को हराता है तो गाइज ब्रॉक लेसनर को ऐसी चीज थोड़ी भी मदद नहीं करेगी नई क्रेडिबिलिटी जीतने के लिए क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर है गाइज उनका पहले से ही गाइज WWE में बहुत ही ज्यादा नाम है और गाइज कोई सेंस बनाता नहीं है अगर गाइज WWE ब्रॉक लेसनर को WrestleMania 38 में जिताती है क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर है गाइज वो हमको गाइज 5 से लेके 10 साल के अंदर गाइज WWE में रिटायरमेंट लेते हुए दिखने वाले हैं और गाइज उनके कंपैरिजन में जो रोमन रेंस है गाइज उनको 15 से लेके 20 साल लगने वाले हैं रिटायरमेंट लेने के लिए। और प्लस गाइज बात यह है कि गाइज जो भी बंदा गाइज अभी के रोमन रेंस को हराएगा गाइज वो हमको WWE का नेक्स्ट मेगा स्टार बनते हुए देखेगा। यानी गाइज सीना नॉस जो बिग स्टार गाइज वो हमको डायरेक्ट एक मेगा स्टार बनते हुए देखेगा और गाइज मुझे लगता है गाइज कि ब्रॉक लेसनर को ये विन की थोड़ी भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से एक बहुत ही बड़े स्टार है मेन स्ट्रीम में और WWE में, तो कोई सेंस बनाता नहीं है कि उनके जैसे बड़े स्टार को रोमन रेंस के सामने जिताना। इसलिए गाइस रोमन रेंस की क्रेडिबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए ब्रॉक लेसनर जैसे स्टार के सामने। थर्ड रीजन है कि गाइस रोमन रेंस है गाइस उनकी जो पास्ट 1.5 ईयर से जो रेन रही है एज अ यूनिवर्सल चैंपियन गाइज वो एक करियर डिफाइनिंग रेन रही है। तब से गाइज 2020 में गाइज गाइज समर स्लैम में रोमन रेंस ने उनका WWE रिटर्न किया और फिर गाइज उन्होंने पे बैक के पेपरों में गाइज द फीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को फेस किया और तभी वो चैंपियन बने। तब से जो रोमन रेंस हमको दिखाया गाइज ये एक ड्रीम रन रही है एज अ रोमन रेंस फैन।
पर्सनली गाइस मैं बोलूँगा गाइस, पहले वाले रोमन रेंस का गाइस थोड़ा भी फैन है, लेकिन ये वाला रोमन रेंस गाइस कितना तगड़ा है गाइस। मैं बोला गाइस कोई इसके बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता, इन्होंने गाइस सबको रॉन्ग प्रूफ कर लिया है। जो भी गाइस मेरे जैसे लोग थे जो रोमन रेंस को पहले पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गाइस रोमन रेंस ने प्रूफ कर लिया है कि आज के एरा में भी रोमन रेंस जैसे स्टार्स फैंस को रॉन्ग प्रूफ करके एक नया बिगनिंग स्टार्ट कर सकते। इसलिए गाइस रोमन रेंस जो करियर डिफाइनिंग रेन के गाइस, मुझे लगता है गाइस ये रेन में गाइस एक डबल चैंपियन रेन भी होना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस गाइस कंपनी को 5 से लेकर 10 साल में मेन स्ट्रीम यानी मेन इवेंट में लीड करते हुए दिखने वाला है। और अगर गाइस रोमन रेंस जैसा स्टार गाइस हमको इतने बड़ी फीट अचीव करते हुए दिखता है रेसलमेनिया में, तो गाइस रोमन रेंस के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी चीज रहेगी उनके करियर में, क्योंकि हर एक स्टार के लिए एक करियर डिफाइनिंग चीज रहती है। एग्जाम्पल के लिए गाइस कभी भी जॉन सीना का बात करते हैं तो सबको याद आता है कि उन्होंने रेसलमेनिया 29 में द रॉक को हरा बने थे द न्यू WWE चैंपियन। गाइस रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं तो सीधा याद आता है वो TLC का इवेंट, तभी गाइस रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को हरा के वो बने थे द फर्स्ट एवर यूनिफाइड WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ब्रॉक लेसनर की ऐड की तो गाइस ब्रॉक लेसनर का भी एक करियर डिफाइनिंग मैच था अगेंस्ट जॉन सीना एट SummerSlam 2014। गाइस WWE के सबसे बड़े फेस को यानी मेगा स्टार को स्क्वॉश करके वो बन गए थे द न्यू WWE चैंपियन। हां गाइस मैं ये चीज मानता कि रोमन रेंस के पास भी गाइस बहुत ही करियर डिफाइनिंग विंस, लेकिन वो उनके पहले के कैरेक्टर में थी। एग्जांपल के लिए गाइस उन्होंने अंडरटेकर, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, एथ रॉलिंस जैसे स्टार्स को उनके पहले के रेन में हराएंगे। मुझे लगता है गाइस ये वाला जो रोमन रेंस है गाइस, इसको गाइस फैंस बहुत ही लंबे लंबे समय तक याद रखने वाले हैं एज अ हील रोमन रेंस। और मुझे लगता है गाइस ये WWE को गाइस अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि रोमन रेंस का गाइस जो रेन है गाइस वो उसको सॉलिडिफाइड करे, यानी गाइस वो उसको फाइनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रेन दिखाए ट्री ऑफ WWE। गाइस नेक्स्ट रीजन है कि गाइस मुझे लगता है गाइस कि जो बंदा रोमन रेंस को हराना चाहिए गाइस वो होना चाहिए ईदर ड्रू मैकइंटायर नहीं तो सेथ रॉलिंस जैसा स्टार, नहीं तो गाइस एक नया स्टार जो कि गाइस अभी अभी कंपनी ज्वाइन कर रहा है जैसे गाइस गेबल स्टीव्सन नहीं तो NXT से गाइस ब्रॉन ब्रेकर जैसे नाम गाइस बंदे गाइस रोमन रेंस को हरा के बनने चाहिए द न्यू WWE यूनिफाइड चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन और WWE चैंपियन। क्योंकि गाइस ये जो स्टार्स है गाइस अगर ये गाइस रोमन रेंस को हराते हैं तो गाइस जो रोमन रेंस है गाइस उनका गाइस वो ये स्टार्स को मिल जाएगा। यानी एग्जांपल के लिए गाइस सोचो गाइस हमको WWE के कोई तो एक पेपर में गाइस ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस को हरा के बन रहे थे न्यू चैंपियन। गाइस इमेजिन करो गाइस ड्रू मैकइंटायर कितने बड़े स्टार लगेंगे। गाइस इमेजिन करो गाइस गेबल स्टीव्सन गाइस उन्होंने अभी रिसेंटली डेब्यूट किया, इमेजिन करो गाइस खाली और वो डिफीट करते हैं रोमन रेंस को इन द फ्यूचर पेपर हो 1 साल के बाद। गाइस इमेजिन करो गेबल स्टीव्सन कितना बड़ा स्टार और नाम हो जाएगा। इसलिए गाइस मुझे लगता है गाइस कि जो रोमन रेंस की जो रेन है गाइस वो ऐसे बड़े स्टार के सामने खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं मानता कि मैं ही बोलता था ब्रॉक लेसनर के सामने खत्म नहीं गाइस, मुझे अभी लगता है कि गाइस रेन गाइस बहुत ही अच्छी हो गई है और लंबी हो गई है और इसको एक नया स्टार ही खत्म करते हुए दिखना चाहिए। इसलिए गाइस हमको रेसलमेनिया 38 में गाइस रोमन रेंस ही मोस्ट प्रोबेबली जीतते हुए दिखने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट रहेगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के करियर में और वो ये चीज कैरी फॉरवर्ड करते WWE में नए स्टार्स डेवलप करने में। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।